फॉर्मेट ऑफ रिट पिटीशन, इसको रिट नहीं पढ़ते, रिट पढ़ते हैं, RIT, W साइलेंट होता है, रिट पिटीशन। तो अब हम इसको देखने वाले हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक ये है, क्या है कि जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं ना सबका यही ऑलमोस्ट पैटर्न होता है। पहला, इन द कोर्ट ऑफ, कहाँ पे कोर्ट है, केस नंबर, ईयर, इन द मैटर ऑफ, किन के बीच क्या, प्लेंटिव डिफेंडेंट, प्लेंटिव वर्सेज डिफेंडेंट, हेडिंग, मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर, इसमें हम सारे फैक्ट्स लिखते हैं, प्रेयर, आप चाहते क्या हो कोर्ट से, वेरिफिकेशन, आप पूरे हो, मतलब आप पूरे नॉलेज में हो कि जो आप लिख रहे हो वो सारा सही है। तो अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ रिट पिटीशन पे, ठीक है, हमने ये देख लिया सैंपल्स। अब देखो इसमें सबसे शुरू में क्या था, इन द कोर्ट ऑफ कहाँ पे है, दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली है, कौन सा कोर्ट का नाम यहाँ पे लिखना होता, ठीक है, जैसे शुरू में दिल्ली हाई कोर्ट आ गया, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। फिर रिट पिटीशन, यहाँ पे रिट ज्यूरिसडिक्शन, उसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, कितने एरिया के अंदर वो कर सकता है, यहाँ जहाँ पे आपने डाला है। रिट पिटीशन का सिविल नंबर, ऑफ ईयर, यहाँ पे ईयर। फिर इन द मैटर ऑफ, हमने क्या देखा था, इन द मैटर ऑफ किसके बीच क्या, यहाँ पे उसका नाम आएगा जो पिटिशनर है, जो पिटिशनर है उसका नाम आएगा, यहाँ पे आएगा सन ऑफ, उसके पिताजी का, कि किसका सन है ये, उनका नाम आएगा। यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी होगा, वर्सेस रेस्पॉन्डेंट में, यहाँ पे अगर एम है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है तो ये उसके बारे में, थ्रू इट्स कमिश्नर के थ्रू हम कर रहे हैं। आगे मुराई हेडिंग आएगा, जैसे पहले वाले में हेडिंग आया था, ये सैम्पल है, ये पहले मैंने किया था, उसके बाद हर चीज़ में फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसका वो आ जाएगा फॉर्मेट, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरेंस ऑफ, ये ऐसा आ जाएगा सारा। नेक्स्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर्थ, हेडिंग के बाद क्या है, मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर्थ, मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर्थ का मतलब होता है कि आप कोर्ट्स में अपनी, जो आपके किसी ने आप पे एलिगेशन लगाया तो उसको आप यहाँ पे फैक्स करोगे कि क्या आप कहना चाहते हो कोर्ट से, और आप अपने पॉइंट्स को यहाँ पे रखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर्थ में, और आप इसे पॉइंट में कितने भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ग्राउंड्स बता सकते हो कि आपने ये क्यों लिखा है उसके पीछे, और यहाँ पे जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर्थ के बाद क्या आता है, प्रेयर, प्रेयर मतलब होता है कि आप कोर्ट से चाहते गा, और ये याद रहे मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर्थ जो है ना यहाँ पे हमेशा डेट में यूज होगा, ठीक है। फिर आता है हमारे सामने प्रेयर, प्रेयर मत, प्रेयर, प्रेयर मतलब आप कोर्ट से चाहते क्या हो, तो देखो मैं कोर्ट से ये चाहता हूँ कि ये आप इशू कर दो, लीगल अपॉइंटमेंट हटा दो, जो भी है, मतलब आप अपने कोर्ट से क्या चाहते हो, प्लेस, पिटीशन का नाम, और किसके थ्रू कर रहे हैं, वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, डेट, और फिर एडवोकेट का नाम और सिग्नेचर, जिस एडवोकेट से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा कोर्ट में दे रहा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ओके। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और इनकेस अगर आप लॉयर हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इसके साथ एफिडेविट अटैच करना होगा, अगर आप कॉलेज के लिए कर रहे हो तो ये काफ़ी, इतना बहुत है।